जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ हुसैन है। आई एम हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट। मैं आज आपको गाइड करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग हेयर की कौन कौन सी इश्यूज़ हैं जो आजकल पाकिस्तान में साउथ एशिया में लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो आज से 10-12 साल पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था, वो सबसे पहले कौन सा मेथड था? FUT था। FUT में क्या होता है, बैक साइड से स्ट्रिप निकाल के स्किन का पैच लेके फ्रंट साइड पर छोटे छोटे कट्स लेके बाल लगाते थे। ये पूरा एक मेजर ऑपरेशन होता था, तो इसमें लोग डरते भी थे, लेकिन जो बंदा बहुत क्रेज़ था जिसको वो करवाते थे, इसमें रिजल्ट्स आते ज़रूर थे। हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर ग्रोथ होती थी, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे थे कि लोग डरते थे, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे। FUT के बाद कौन सा मेथड आ गया, FUE। FUE में क्या होता है, बैक साइड से 1x1 ग्राफ्ट लेके, बड़ा को कट नहीं लगाया जाता, एक एक ग्राफ्ट लेके फ्रंट साइड पे छोटे छोटे कट्स लगा के स्लिट्स बना के बाल लगाते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। ये उससे कदरे बेहतर है, लेकिन इसमें भी साइड इफेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली जब कट लगता है ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, ज़ख्म होता है, छोटा सा ज़ख्म ठीक होने में 10-15 दिन लगते हैं। तो लेकिन इसमें जो है, बाल लगाने के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, बाल किसी बंदे ने ट्रांसप्लांट करवाया हो, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी साफ पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। देखने वाला पूछ लेता है आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, वो इसलिए पता चलता है कि बालों में गैप होता है, स्पेस होती है, बालों का एंगल नेचुरल नहीं होता। और जो लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी है, तुर्की से स्टार्ट हुआ है मेथड DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें अपने पूरे सर के ऊपर कहीं पे किसी किस्म का कोई कट नहीं होता, कोई सुराख नहीं होता, फ्रंट साइड पे कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं होती। इसमें 1x1 ग्राफ्ट स्किन की टॉप लेयर पे काम होता है। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, सबसे टॉप वाली लेयर पे हम लोग काम करते हैं। इसमें जो स्किन के अंदर डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट होता है, इसमें किसी किस्म का कोई जख्म नहीं है, कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स 100% सेफ मेथड। इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं है। बेशक आप आज ट्रीटमेंट करवाने के बाद आज ही जाकर रूटीन का अपना काम करें। तो अगर किसी को हेयर फॉल का कोई इशू हो और हेयर का स्किन का कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। बाकी जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग टेक्निक है DHI, आपके पाकिस्तान में ही हमारे इदारे ने ही इंट्रोड्यूस करवाई है। आपके यहाँ फैसलाबाद में 14-15 इदारे कर रहे हैं, लेकिन सब लोग FUE से कर रहे हैं। FUE में और DHI में बिग डिफरेंस है। DHI टोटली सेफ मेथड, इसमें 100% आपको गारंटी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लिख के दें, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लिख के भी दे सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अगर कोई बंदा भी इंटरेस्टेड हो, किसी को कोई इशू हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेशन हमारी फ्री है, कोई चार्जेस नहीं होते, तो आप रब्ता करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।